बहुत बार हमें ये सुनने मिलता है, इस उम्र में ये काम करना चाहिए, उस उम्र में वो काम करना चाहिए, और हम लोग सच मान लेते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ये कितना सच है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? पता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ मिनटों में कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा, वो सुनने के बाद आप यकीन मानोगे कि सफलता हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। फ्रैंक मैकॉर्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रैंक मैकॉर्ट का जन्म 19 अगस्त 1930 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन बोरो में हुआ। फ्रैंक ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, जैसे कि टेलीग्राम के डिलीवरी से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक, लेकिन दुर्भाग्यवश उन कामों से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। और फिर उन्होंने उम्र के 67 साल में एक किताब लिखी कि जिसने उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्रदान की। वह किताब है एंजेलस एशेज। क्या आपने इस बुक के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये किताब 1996 में प्रकाशित हुई, और जैसे ही ये प्रकाशित हुई इसने साहित्य क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी, और इसे पुलित्ज़र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक प्रतियां इसकी हाथों हाथ बिक गई है, और इस किताब को 126 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अब मैं आपको इस किताब के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इस किताब का शीर्षक एंजेलस एशेज, इसमें से एंजेला ये ऑथर की माँ का नाम, और ये किताब ऑथर के ग्रेट डिप्रेशन के बीच फंसे अपने माता पिता और अपने चार छोटे भाई बहनों के साथ उनके बचपन की संघर्षमय परिस्थितियों की कहानी बयान करता है। ऑथर कहते हैं कि वह एक मुश्किल बचपन था, क्योंकि उनके शराबी पिता और गरीबी दोनों के सामने उनकी माँ विवश थी। गरीब परिस्थिति की वजह से सही से खाना पीना और दवाई न मिलने के कारण उनके तीन भाई बहनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब उन्होंने ये किताब लिखी, उस वक्त उन्होंने अपने बचपन की सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप से लिखी है। और एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जापान के हिदेकिची मियाज़ाकी द गोल्डन बोल्ट ने अपना विश्व स्प्रिंट रिकॉर्ड बनाया। मियाज़ाकी ने 100 मीटर की दौड़ महज 42.22 सेकंड में पूरी की, और ये उन्होंने करने के बाद उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसलिए जमैका ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेते हुसैन बोल्ट ने भी उन्हें सल्यूट किया। तो हैरान हो जाओगे कि हुसैन बोल्ट ने उन्हें सल्यूट करने का कारण क्या है, लेकिन इसके पीछे वजह ही कुछ खास है। जब ये रिकॉर्ड मियाज़ाकी ने बनाया तब उनकी उम्र 105 साल की थी। मियाज़ाकी ने प्रतियोगिता के बाद संवाददाताओं से कहा, मैं प्रशिक्षण के दौरान 36 सेकंड में ये दौड़ पूरी करना चाहता था। उन्हें सेवानिवृत्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अभी सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता, मुझे अपने प्रशंसकों का आभार जताने के लिए कुछ और साल यह जारी रखना है। उनकी लंबी और अविश्वसनीय फिटनेस के स्तर का रहस्य उनका दैनिक व्यायाम और संतुलित आहार ही है। जब उनको प्रतियोगिता जीतने के बाद ट्रॉफी प्रदान की तब उसे लेके वे छोटे बच्चे की तरह नाचने लगे, और हुसैन बोल्ट की लाइटनिंग पोज देकर उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। तो आपको अभी पता चला होगा कि अगर हम दृढ़ निश्चय से कोई चीज करना चाहें तो उसे हम जरूर पा सकते हैं, और उसके बीच उम्र की रुकावट नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।